राजस्थान सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता महिपाल मदेरणा अब इस दुनिया में नहीं है। मौजूदा सियासत में महिपाल मदेरणा की बेटी विधायक तो पत्नी लीला मदेरणा जोधपुर जिला प्रमुख है। मदेरणा परिवार राजस्थान की राजनीति का एक अहम परिवार है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजनीति ने आज एक दिग्गज को खो दिया है। जोधपुर संभाग में दखल रखने वाले महिपाल मदेरणा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो लंबे वक्त से बीमार थे। महिपाल मदेरणा परसराम मदेरणा के बेटे थे और उन्होंने अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया। 5 मार्च 1952 को हुआ था जन्म। 2003 और 2008 में बने विधायक। 1982 में पहली बार जिला प्रमुख बने। 4 जोधपुर में बने जिला प्रमुख। केंद्रीय सहकारी बैंक जोधपुर के रहे अध्यक्ष। मार्केटिंग सोसाइटी भोपालगढ़ के अध्यक्ष रहे। ग्राम सहकारी समिति चांडी तहसील फलौदी के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा विधायक हैं और उनकी पत्नी लीला मदेरणा हाल ही में जोधपुर जिला प्रमुख बनी है। अब मां बेटी पर महिपाल मदेरणा की सियासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। महिपाल मदेरणा राजस्थान में जाट राजनीति के सर्वमान्य नेता रहे और अब उनके निधन के बाद उनकी सियासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा उनकी बेटी दिव्या मदेरणा पर है। रिपोर्ट देखिए। महिपाल मदेरणा का जन्म एक खांटी सियासी परिवार में हुआ था। उनके पिता पारसराम मदेरणा राजस्थान की राजनीति के दिग्गज थे और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान की राजनीति में इस परिवार का दखल करीब 6 दशक तक रहा। तो अब महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा विधायक हैं। इसे संयोग मानिए या सियासी परिस्थितियां, एक दौर ऐसा था जब महिपाल मदेरणा के पिता परसराम मदेरणा मंत्री थे और महिपाल मदेरणा विधायक थे। और आज महिपाल मदेरणा की पत्नी जिला प्रमुख हैं तो बेटी विधायक है। ये परिवार करीब 68 वर्षों से सक्रिय राजनीति में है। राजस्थान की राजनीति में नागौर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और जोधपुर को एक तरह से जाट बेल्ट कहा जाता है। जाट समुदाय का लगभग 60 सीटों पर प्रभाव है और मदेरणा परिवार का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। मारवाड़ की चर्चित शख्सियत थे मदेरणा। सियासी जीवन में देखे कई उतार चढ़ाव, दबंग नेता के तौर पर रही छवि। नियम कानून के जानकार थे मदेरणा, पढ़ने लिखने के भी थे शौकीन। अधिकारियों में रहती थी मदेरणा की दहशत, खुलकर बोलते थे महिपाल मदेरणा। कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलना जानते थे महिपाल मदेरणा। ने सियासत दब कर नहीं की। मीटिंग में लेट आने पर अधिकारियों को एंट्री नहीं देते थे तो कानून के इतने अच्छे जानकार थे कि अधिकारियों के पास सवालों का जवाब नहीं होता था। देर रात तक मदेरणा किताबें पढ़ते थे। इतना ही नहीं, ग्रामीण राजनीति के धुरंधर थे। जाटलैंड में उनकी लोकप्रियता भी गजब की रही। अब जिम्मा दिव्या मदेरणा पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।